नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं आपको स्वराज टारगेट 630 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं, बाकी ट्रैक्टरों से किस तरीके से अलग है और क्या खास इसके अंदर मिलने वाला है, सारा कुछ जानेंगे। और आपकी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है और 2024 के अंदर क्या आप इस ट्रैक्टर की तरफ जा सकते हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों शुरुआत होती है इसकी फ्रंट से, तो आप डिजाइन इसका देखोगे बिल्कुल ही डिफरेंट डिजाइन है। एरोडायनेमिक शेप आपको इसके अंदर मिल जाता है, हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट इसके अंदर दी गई है। फ्रंट में आप देखोगे तो एक ग्रिल दी गई है जो कि ठंडी हवा रेडिएटर तक पहुंचाने का काम करती है, साथ ही साथ जो ट्रैक्टर का लुक है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव एनहेंस करने का काम भी ये दोस्तों करती है। साथ में अगर आप देखोगे तो आगे फ्रंट में इसके अंदर बम्पर भी मिल जाता है, बम्पर की फिटिंग भी आप देखोगे तो काफ़ी हैवी ड्यूटी की गई है दोस्तों, फुल्ली हैवी ड्यूटी सील्ड एक्सल इसके अंदर दिया गया है, बबल गियर तकनीक का यूज़ इसके अंदर किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है जो कि फोर व्हील ड्राइव मिनी सीरीज के अंदर आप कह सकते हो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर साइड प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो स्वराज टारगेट की बड़ी शानदार ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रही है। पीछे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 630 की ब्रांडिंग मिल रही है, 4x4 का भी एक स्टिकर आपको इसके ऊपर एम्बलम मिल जाता है। इंडिकेटर आप देखोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट पोजिशनिंग के साथ में यहाँ पर इंडिकेटर इसके अंदर मिलने वाले हैं। आगे के टायर मिलने वाले हैं 180x85 D12 MRF के टायर आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। पीछे के टायर्स जो आपको मिलेंगे इसके अंदर वो भी MRF के ही मिलेंगे, 8320 के। टायर साइज जो रखा है वो भी काफ़ी यूनिक इसके अंदर दोस्तों रखा है कंपनी ने, जिससे कि ट्रैक्टर जो है आपका प्रॉपर ग्रिपिंग के साथ में चले, स्लिपेज वाली दिक्कत आपको देखने को बिल्कुल भी ना मिले। बोनेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ से फ्रंट ओपनिंग के साथ में इसका जो बोनेट है वो आता है, यहाँ से इस तरीके से अनलॉक करोगे और बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर बोनेट ओपन करने के लिए सिंगल गैजेटेड यूज़ की गई है जिसकी सहायता से ऑटोमेटिकली जो बोनेट है वो ओपन हो जाता है। इंजन की बात मेनली कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो 29 HP का यानमार का 1331 CC का जो इंजन है वो देखने को दोस्तों मिलने वाला है। जो इसका इंजन है ये आपको 2800 इंजनरेटेड RPM पर मैक्सिमम जो पावर है वो प्रोड्यूस करके देगा। ड्राई टाइप का जो एयर क्लीनर है वो देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको जो पंप है वो कॉम्पैक्ट साइज का इनलाइन फ्यूल पंप देखने को मिल जाता है। जो दोस्तों इंजन है ये आपको मैक्सिमम 87 Nm का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देने वाला है, यानी कि खिंचाई की बात हो रही हो या पावर लगाने की बात हो रही हो तो ट्रैक्टर किसी भी पॉइंट से पीछे नहीं हटता है, कम नहीं रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो कूलेंट के लिए भी कंटेनर लगाया गया है जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। जैसे ही आपके रेडिएटर में कूलेंट कम होता है ये उसको ऑटोफिल करने का दोस्तों काम करता है। जो एक्साइड की बैटरी है वो भी फ्रंट में ही इसके अंदर दी गई है और रेडिएटर की प्रोटेक्शन के लिए भी एक जाली यहाँ पर दी गई है जिससे कि आपका रेडिएटर चौक ना हो, लंबे टाइम तक उसकी जो लाइफ है वो बनी रहे। दोस्तों डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो 27 लीटर का डीजल टैंक आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों इसके प्लेटफॉर्म की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही फ्लैट तो मैं नहीं कहूँगा, हल्का सा बम्प मिल जाता है गेयरबॉक्स की जो हीट है उसको रिलीज करने के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी कम्फर्टेबल इसके अंदर दिया गया है, काफ़ी ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और जो सीट है ये भी मिनी ट्रैक्टर को देखते हुए सफिशियंट है, कम्फर्टेबल सीट इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर मैं जैसे ही इसके ऊपर चलूँगा दोस्तों प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल इसके अंदर दिया गया है, काफ़ी इजीली आप इसके जो क्लच है जो ब्रेक है उनको एक्सेस कर सकते हो। जो ट्रैक्टर है आपका वो नॉर्मल पैडल के साथ में ही आता है लेकिन आप उनको काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट है, ऑपरेट करना काफ़ी इजी होता है। यहाँ पर इसका आप डैशबोर्ड देखोगे तो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिया गया है, एनालॉग RPM मीटर मिल जाता है, डिजिटल आवर मीटर मिल जाता है और काफ़ी सारी ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स भी इसके डैशबोर्ड के अंदर दी गई हैं जो कि आपको जैसे आपका फोर व्हील इंगेज है, डिसइंगेज है, इंडिकेटर ऑन है, ऑफ है, PTO आपकी ऑपरेट हो रही है नहीं, तो वो सारी इंडिकेशन भी आपको डैशबोर्ड के अंदर ही शो करने वाला है। स्टेयरिंग कॉम्पैक्ट साइज का है, साथ में स्टेयरिंग के बीच में हॉर्न दिया गया है। यहाँ पर इसके अंदर की लगाने के लिए सॉकेट दिया गया है, यहीं से ट्रैक्टर को स्टार्ट और बंद कर सकते हो, आपको कोई लीवर इसके अंदर नहीं खींचना पड़ता। एक 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो भी इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्टली आप चार्जर लगा करके इसके अंदर अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हो। रखने के लिए भी एक केस जो है वो यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है और यहाँ पर ये इसकी हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी दिया गया है। ये इसकी मेन जो हेडलाइट है उनको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ कंट्रोलिंग इसके अंदर दी गई है, यहाँ इंडिकेटर आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आप इसके गेयरबॉक्स की तरफ चलेंगे, गेयरबॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर जो गेयरबॉक्स है वो मैकेनिकली सिंक्रोमाइज गेयरबॉक्स मिल जाता है, यानी कि इसके जो गेयर हैं वो काफ़ी स्मूथ है, कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी उनको ऑपरेट करने में या गेयर चेंज करने में, क्योंकि ये जो आपका कॉन्स्टेंट मैस है उसके अंदर क्या होता है, उससे एक अपर की अगर हम बात करें तो ये अपर वाला गेयरबॉक्स है, इसके अंदर सिंक्रो
नाइजर रिंग डाले जाते हैं जो कि पीतल के रिंग होते हैं, जिससे कि गियर शिफ्टिंग काफ़ी इजी हो जाती है, कोई आवाज़ गियर बॉक्स में नहीं आती है। तो गियर बॉक्स इसके अंदर मैकेनिकली सिंक्रोमाइज मिलने वाला है। लो हाई मीडियम यहाँ पर आपको गियर लीवर मिल रहा है, राइट हैंड साइड में ड्राइवर सीट के यहाँ आपको तीन गियर मिल रहे हैं, एक रिवर्स मिल रहा है। तो 9+3 का जो कॉम्बिनेशन है वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको दोस्तों मिलने वाला है। टोटल इसके अंदर जो गियर आपको मिलेंगे वो 12 गियर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक पैडल भी मिल जाता है। ट्रैक्टर आपका कीचड़ में फंस जाता है, धस जाता है, तो इसको आप जैसे प्रेस करोगे जो आपके पीछे वाले टायर्स हैं वो दोनों टायर एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर 2 व्हील और 4 व्हील में ले जाने के लिए लीवर दिया गया है, ये एक लीवर और दिया गया है जिससे कि आप अपने जो पार्किंग ब्रेक हैं उनको इंगेज डिसंगेज काफ़ी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर पैर वाली रेस आपको मिल जाएगी। जो ब्रेक्स हैं काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है, वही लिमस डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगे। ब्रेकिंग भी मैं आपको आगे वीडियो में चेक कराने वाला हूँ दोस्तों। और इसके अंदर एक खास बटन यहाँ पर दिया गया है, इसका फ़ायदा क्या है, आप PTO को डायरेक्टली यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो। आप इसको अंदर की तरफ नीचे की तरफ प्रेस करोगे, इसको घुमाओगे, PTO आपकी चलने लगेगी यहाँ पर। और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे यहाँ ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया और आपकी PTO रुक जाएगी। तो PTO को ऑपरेट करना भी काफ़ी ईजी जो है कंपनी ने वो बना दिया है, एक सिंगल बटन से आप अपनी PTO को ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर PTO स्पीड जो है वो 2 स्पीड मिलने वाली हैं, 540 इकोनॉमी और आपका 540 नॉर्मल। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो 540 इकोनॉमी PTO है इसके अंदर मैं आपको डैशबोर्ड की तरफ लेकर चलूँगा। ये इकोनॉमी PTO में क्या होगा कि 2000 RPM पर ही आपको जो PTO है वो 540 RPM निकाल के देगी ट्रैक्टर के। नॉर्मल PTO में क्या होगा कि 2500 से 2600 RPM पर आपको ये 540 RPM पीछे निकाल करके देने वाला है। डिफरेंस होता है दोस्तों नॉर्मल PTO में 540 और इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इंजन के कम RPM पर आपको पीछे 540 PTO के RPM मिल जाते हैं, तो ये कुछ डिफरेंस आपको मिल जाता है इकोनॉमी में और नॉर्मल में। बाकी डुअल इसके अंदर लीवर आपको मिलने वाले हैं, एक DC लीवर दिया गया है, एक PC लीवर दिया गया है, जिससे कि आप अपने ड्राफ्ट और पोजिशन को काफ़ी ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। एक हैंडल बार लगाया गया है। पिछले हिस्से की बात मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले आप इसका रियर एक्सल देख लो, फुली हैवी ड्यूटी रियर एक्सल इसके अंदर दिया गया है। बुल एंड पिनियन टाइप के रिडक्शन का यूज़ किया गया है जिससे कि खिंचाई जबरदस्त हो, पिछले हिस्से में लॉन्ग टाइम तक मेंटेनेंस ना आए। और इसके अंदर जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, लिंकेज पहले तो आप चेक कर लो, काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज़ की लिंकेज दी गई हैं इसके अंदर। जो ड्रॉबार पट्टी है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दी गई है। और 980 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आपका आता है। एडजस्टेबल आपको हिच इसके अंदर मिलने वाला है, डुअल PTO का ऑप्शन मिलने वाला है, और 24 HP की मैक्सिमम जो PTO पावर है वो ये ट्रैक्टर जनरेट करके आपको देने वाला है। सेंसिंग की बात कर लेता हूँ तो 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ में आता है। जैसा आपका पीछे लोड है, जैसा आपका मिट्टी है, उसी हिसाब से आप अपनी टोपलिंग को ऊपर या नीचे इजीली सेट कर सकते हैं। टोपलिंग जो है टोपलिंग कैरी होल्डर के साथ में दी गई है। एक 12 वोल्ट का पीछे सॉकेट दिया गया है। ट्रॉली वगैरह में या पीछे किसी इंप्लीमेंट के ऊपर आपने लाइट वगैरह फिटिंग करनी है, इसकी सहायता से काफ़ी इजीली आप उसको कर सकते हैं। इंडिकेटर जो है इसके अंदर वो नॉर्मल टाइप के ही मिलेंगे, हैलोजन बल्ब के साथ में दिए गए हैं, कोई LED बल्ब का यूज़ उनके अंदर नहीं किया गया है। पीछे एक आपको ये अगर आप देख रहे हैं तो टूल बॉक्स मिल जाता है, छोटा मोटा कोई टूल वगैरह कैरी करना है इसके साथ आप इजीली कैरी कर सकते हो। रिफ्लेक्टर मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ की LED बैक लाइट मिल जाती है। नाइट वगैरह में खेत का कोई भी काम करना है इसके साथ आप इजीली कर सकते हो। साथ में ही बोतल होल्डर भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। जो ट्रैक्टर है वो 295 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है, तो इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो डीजल खपत किस तरीके की करने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसकी चौड़ाई की, तो जो ट्रैक्टर की चौड़ाई है उसको आप 3 फीट तक ले जा सकते हो। 3 फीट की जो मिनिमम चौड़ाई है वो इस ट्रैक्टर की कर सकते हो, और अपनी बागवानी की खेती भी आप इसके साथ में आसानी से कर सकते हो। अब बात निकल करके आ जाती है कि ट्रैक्टर ऑपरेट करने में किस तरीके का है, आवाज़ किस तरीके की है, और ट्रैक्टर की प्राइस क्या है, आपकी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है, तो उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो ट्रैक्टर की आवाज़ है वो आपको सुनवाऊँगा, उसके बाद में जो इसको ऑपरेट करके है वो भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन गियर लीवर को न्यूट्रल कर लेता हूँ, क्लच पैडल प्रेस कर लेता हूँ और इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ट्रैक्टर की, इजीली स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट गियर यहाँ पर डालूंगा, हाई गियर डालूंगा तो ट्रैक्टर मेरा आगे चलने लग जाएगा। पिकअप भी जो अच्छा खासा है वो इसके अंदर आपको मिलने वाला है, ये आप देखो। और ब्रेकिंग की बात मैं करूँगा तो ब्रेकिंग भी आपको मैं चेक कराऊँगा, ये आप देखो। ट्रैक्टर जगह पर स्टेबल हो जाता है, इतनी अच्छी खासी जो ब्रेकिंग है वो मिल जाती है। और जैसा मैं गियर बॉक्स की बात कर रहा था, गियर शिफ्टिंग की बात कर रहा था, तो स्मूथ है, ये आप देखो। क्लच प्रेस किया पीछे डाल दिया, हल्का सा क्लच प्रेस किया आगे डाल दिया, कोई गियर बॉक्स में आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया मैकेनिकली सिंक्रोमाइज जो गियर बॉक्स है उसका यूज़ इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने किया है, ये आप देखो। तो ईजिली आप इसके जो ऑपरेशन है इसके साथ में वो कर सकते हो, काफ़ी ईजिली आप इस ट्रैक्टर को ऑपरेट
कर सकते हो। स्टेयरिंग के अंदर टर्निंग रेडियस जो है वो भी आपको अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है। ये आप देखो, ट्रैक्टर बड़ी कम जगह में ही जो है वो टर्न ले लेता है। और मैंने अभी, अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मैंने ब्रेक है कोई ब्रेक वगैरह प्रेस नहीं कर रखा है, और ट्रैक्टर इजीली जो है वो टर्न ले रहा है। तो काफ़ी कम जगह में ही जो ट्रैक्टर है आपका वो मुड़ जाता है, घूम जाता है, टर्न ले लेता है। ये आप देखिए, और अच्छा खासा पिकअप जनरेट करके आपको देता है ट्रैक्टर। बंद करना बड़ा इजी है, आपकी इसे ही ट्रैक्टर को बंद कर सकते हो। कोई लीवर वगैरह खींचने की जरूरत भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, अब बात निकल करके आ जाती है प्राइसिंग की, कि ट्रैक्टर आज के समय में अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपकी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 6 लाख से लेकर के 6,15,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। प्राइसिंग में आपको डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइसिंग आए दिन ऊपर नीचे होती रहती है, वो स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्राइस वेरी करती है। तो आप अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, जो इसकी एग्जैक्ट प्राइस है वो भी पता कर सकते हैं, और डेमो लेना चाहते हैं डेमो भी ले सकते हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। अब बात निकल करके आ जाती है दोस्तों कि क्या ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको आज के समय में इसकी तरफ जाना सही रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में बता दिया, साइड बाय साइड मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब आप एक कंपेयर ये कर सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट आप समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझने के बाद में आप ये समझिए कि जो फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर फीचर्स सफिशियंट हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ये ट्रैक्टर खरा उतरने वाला है। उसके बाद में आप ट्रैक्टर का डेमो लीजिए, अगर आपको ट्रैक्टर समझ में आता है तो आप खरीदने का विचार बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी मेरा मकसद हमेशा से यही रहता है कि आपको कुछ नया, कुछ यूनिक दिखाऊं, ताकि आप अपना डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिले, अच्छे से आप कोई भी इंप्लीमेंट या ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो खरीद पाएं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करता हूं सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे वीडियो में, और आप ये भी जान पाए होंगे कि आज के समय में इसकी तरफ जाना वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं, और क्या आपको आज के समय में ये ट्रैक्टर खरीदना चाहिए या नहीं, तो उसका भी जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो पसंद भी आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं खर्च होने वाला है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।